जो गुण है उससे मतलब है ना क्या तीन शब्द हैं वो विभव उद्भव उद्भव याद आ गया उद्भव विभव उद्भव और प्रलय मैंने इनका क्या अर्थ है विभव का मतलब है जो सदा सदा बने रहने के अर्थ इसको उद्भव का मतलब वही है सृजनात्मक के अर्थ और प्रलय का अर्थ वही है विरचना के लिए रचना के अर्थ में उद्भव है और विरचना के अर्थ में तो ये इनको अगर हम मैप करेंगे तो जो विभव है वो मध्यस्थ है जो उद्भव है वो सम है और जो प्रलय कारी जो गुण है उनको ही विषम तो ऐसे तो स्वार्थ के अंदर हम जो क्रियाकलाप करते हैं उससे जो प्रभाव जाता है परस्परता में वो अधिकतम प्रलयकारी विषम प्रभाव परार्थ के अंदर वो जिसको कहते हैं उद्भवकारी या संप्रभाव जाता है और जो परमार्थ के अंदर सर्वशुभ के अर्थ में होता है वो सारा उद्भव विभवकारी या मध्यस्थ प्रभाव ऐसे जो भैया इन तीनों को जैसे कर्म बोला है व्यवहार में जैसे निर्भ्रांत भ्रांत और भ्रांत भ्रांत है तो वर्ड से थोड़ा परिचय है पर आप उसको कर्म और व्यवहार से कैसे जुड़ा है अगर एक बार बता ठीक है ठीक है ना तो ये जो निर्भ्रांत भ्रांत एवं भ्रांत भ्रांत है ना इसको कैसे जो तो निर्भ्रांत का तो अर्थ स्पष्ट ही है जागृति पूर्ण जागृति निर्वीजन या निवृत्ति ये निर्भ्रांत भ्रांत भ्रांत जिसे कह रहे हैं कनेक्शन नहीं होगा शायद कोई बटन दबाना पड़ता चेंज कर रहे थे